दोस्तों, आज हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं वो एक फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं, जिनके पिता लगभग 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा में एक्टिव रहे, जिनकी मां ने कई हिंदी फिल्में लिखी और जिनके नाना भी हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार रह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये अभिनेता हिंदी सिनेमा में वो मुकाम हासिल नहीं कर सके जिसकी सभी ने उम्मीद की थी। बात करेंगे अभिनेता करण नाथ की, जिन्हें विशेष रूप से फिल्म ये दिल आशिकाना और गैंग्स ऑफ बनारस के लिए जाना जाता है। अपनी बेहतरीन पर्सनालिटी और खूबसूरती को लेकर चर्चित रहे करण ने अपनी कुछ ही फिल्मों से सभी दर्शकों का दिल जीता और सभी के चहेते बन गए। अफसोस कि ये प्रसिद्धि ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही और उनकी एक दो फिल्मों के अलावा उनकी कोई भी फिल्म खास कमाल नहीं दिखा सकी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बेहतरीन पर्सनैलिटी होने के बाद भी हिंदी सिनेमा में उन्हें काम नहीं मिला और उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। क्या आप जानते हैं इसकी क्या वजह रही? यदि नहीं तो हमारे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में करण के प्रारंभिक जीवन, करियर और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करें उनके प्रारंभिक जीवन की, तो उनका जन्म 24 मई 1983 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही एक स्कूल से की। उसके बाद इन्होंने मीठीबाई कॉलेज मुंबई से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जब वो स्कूल और कॉलेज में थे तब वे राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस खेलते थे। चूंकि वो एक फिल्मी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं तो अभिनय में उनकी दिलचस्पी बचपन से ही रही। अभिनय में अपना करियर बनाने से पहले उन्होंने किशोर नमित कपूर अभिनय संस्थान मुंबई से अभिनय का कोर्स किया और उन्होंने श्यामक डावर नृत्य अकादमी मुंबई के तहत नृत्य का प्रशिक्षण लिया और जिसके बाद हिंदी सिनेमा में कदम रखा। हिंदी सिनेमा में काम मिलने पर उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि वो खुद एक फिल्मी परिवार से संबंध रखते हैं। वैसे तो करण 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया में एक बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके थे, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर उनके करियर की शुरुआत सन 2001 की फिल्म पागलपन में अभिनेत्री आरती अग्रवाल के साथ की, पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। तत्पश्चात सन 2002 में उन्होंने फिल्म ये दिल आशिकाना में अभिनय किया, जो कि बेहद सफल रही और हिंदी सिनेमा में उन्हें इसी फिल्म से पहचान मिली। ये फिल्म एक हिट गानों वाली फिल्म थी जिसके गाने लोगों के जुबान पर आज भी आ जाते हैं। इस फिल्म के बाद सभी करण के अभिनय और खूबसूरती के दीवाने हो गए। इसी वर्ष उन्होंने 2 से 3 फिल्में साइन की, लेकिन वो कभी बड़े पर्दे पर आई ही नहीं, जिस कारण उनका करियर बनने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानते हुए अपना संघर्ष जारी रखा, जिसके बाद उन्होंने कामुक थ्रिलर तुम ए डेंजरस ऑब्सेशन और हॉरर थ्रिलर श में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें 2004 के स्टारडस्ट अवार्ड में नामांकित किया गया था। तत्पश्चात वो सन 2009 में फिल्म तेरा क्या होगा जॉनी में दिखाई दिए, जो एक दशक के लिए उनकी आखिरी रिलीज थी, जिसके बाद उन्होंने अच्छा काम न मिलने पर फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और हिंदी सिनेमा से कुछ साल का ब्रेक लिया। और कुछ साल बाद उन्होंने कमबैक किया फिल्म गैंग्स ऑफ बनारस से, जिसमें वो शिल्पा शिरोडकर के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई दिए। ये फिल्म 2014 में ही बनकर कंप्लीट हो गई थी, लेकिन रिलीज होने में देर हुई और आखिरकार 28 फरवरी सन 2020 को रिलीज हुई। फिल्म को मध्यम सफलता हासिल हुई, लेकिन इस फिल्म से करण को खास पहचान नहीं मिली। सन 2021 में उन्होंने बिग बॉस OTT में भाग लिया और रिधिमा पंडित के साथ 2 सप्ताह के भीतर बाहर हो गए, जिस कारण इस शो से भी उन्हें खास सफलता हासिल न हो सकी। भले ही करण के पास अच्छा लुक और बेहतरीन अभिनय कौशल रहा, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में बॉलीवुड में फ्लॉप हुई, जिस कारण मीडिया उन्हें एक फ्लॉप अभिनेता और उनको फिल्म उद्योग से एक गायब हुए अभिनेता की तरह देखता है। लोग अक्सर उनके अभिनय और हिंदी सिनेमा में उनकी एंट्री को उनके पिता की देन कहते हैं। इस बात से उनके जीवन में वाद विवाद होते रहते हैं। उन्होंने 2002 में अपनी फिल्म ये दिल आशिकाना से अपार लोकप्रियता हासिल की, जिसमें उन्हें जीविदा शर्मा के साथ जोड़ा गया था। दोनों को अक्सर एक साथ देखा गया, खैर दोनों ने ही इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। चलते हैं उनके पारिवारिक जीवन की ओर, तो उनके पिता का नाम राकेश नाथ है, जो कि दिल तेरा आशिक के फिल्म निर्माता है। साथ ही राकेश नाथ लंबे समय से अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। वही करण की मां रीमा राकेश नाथ कश्मीरी हैं और एक फिल्म लेखक हैं, जिन्हें लोकप्रिय फिल्म साजन के लिए जाना जाता है। साथ ही उनकी 2 बहनें हैं, जिनका नाम दक्षिणा नाथ और साइना नाथ है, जो कि पेशे से एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर हैं। उनके नाना DK सुप्रू एक प्रसिद्ध अभिनेता थे और उन्होंने पाकिजा, साहेब बीबी और गुलाम, हीर रांझा जैसी 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। इसके अलावा करण के मामा तेज सुप्रू भी हिंदी सिनेमा की जानी मानी शख्सियत है और उनकी मौसी प्रीति सुप्रू अपने दौर की बेहतरीन अदाकारा रह चुकी है। करण ने अभी तक शादी नहीं की है, ना ही इस बारे में कोई अपडेट दी है।
अभी वो अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं और अच्छे काम की तलाश में है। या तो हिंदी सिनेमा उनके टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर सकी, या फिर करण अपना हुनर पहचान पाने में असमर्थ रहे, जिस कारण वो अभिनय के क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर सके। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।